चार पांच पांच गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। आई नेहा। आज हम करने वाले हैं शॉर्ट कुर्ती का हॉल जो कि मीशो से होने वाला है। एंड ये सारी ही कुर्तियाँ काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। वैसे तो मैंने 10-12 कुर्ती ऑर्डर करी थी लेकिन मेरे पास अभी तक आई गेस 6 ही आई है। तो जो भी आगे आएंगी वो मैं आगे नई वीडियो इसी में ऐड कर दूंगी। इन सबको मैं आप लोगों के सामने ही अनबॉक्स करने वाली हूँ। बाय द वे ये वाला जो टॉप है, एक सेकेंड गाइज, ये जो ब्लैक कलर का टॉप मैंने पहना हुआ है ये है मीशो से। एंड ये बहुत ज़्यादा क्यूट एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसकी भी हॉल वीडियो आ जाएगी नेक्स्ट। अभी स्टार्ट करते हैं शॉर्ट कुर्तीज़ की हॉल वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। यार मुझे ना इन सारे ऑर्डर्स में ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है क्योंकि सबके ऑर्डर आईडी सेम है। तो मैं अनबॉक्स करके देख लेती हूँ किसमें क्या है किसमें क्या नहीं आया, क्योंकि ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मुझे नहीं पता इसमें, मुझे कुछ ऐसे पिंक और ऑरेंज दिख रहे हैं जो कि दो कुर्ती आई हैं इसके अंदर। पहले पिंक वाला खोल के देखते हैं कैसा लग रहा है। वाओ ये बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। इसमें पूरा कॉलर नेक दिया हुआ है। फ्रंट में ना कुछ बीट्स और सीक्वेंस की ये डिटेलिंग्स दी हुई है तो वो भी बहुत अच्छी लग रही है। पूरा फ्लोरल प्रिंट है। इसकी जो स्लीव्स है ना वो कुछ इस तरह की है, बैलून टाइप की है। ए लाइन की कुर्ती है ये, काफ़ी ज़्यादा सुंदर और प्यारी सी लग रही है। और पहनने के बाद ना इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि समझ के ना ये कलर बहुत ज़्यादा परफेक्ट कलर है। एंड ये कलर ना मुझे पीच कलर, मैंने इतने ज़्यादा पीच कलर नहीं पहने हैं बट ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसकी स्लीव्स की वजह से ना इसका लुक बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। प्राइस है वो है 412 रुपये और इसका जो साइज़ मैंने लिया था स्मॉल साइज़ लिया था और साइज़ मुझे एकदम परफेक्ट आया था। तो इसको मैं 10/10 दूंगी। बाकी आप ट्राई ऑन में देख सकते हो इसका लुक कैसा लग रहा है। मैंने इतना ज़्यादा ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया लेकिन हाँ मैंने सिर्फ पहन के दिखाया है तो उसमें आपको दिख जाएगा कि कैसा लग रहा है। नेक्स्ट जो है ना वो मैंने सेम गलती से कलर मंगवा लिया बिकॉज मुझे दोनों सेम नहीं लग रही थी फोटो में क्योंकि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया बहुत ज़्यादा। तो इसका भी कॉलर नेक दिया हुआ है, पूरी ये बीट्स वाली सीक्वेंस वाली डिटेलिंग्स दी हुई है यहाँ पर और वी नेक दिया हुआ है। पूरी ए लाइन की कुर्ती है और ये पूरी इसकी स्लीव्स भी पूरी फुल स्लीव्स है और बेलून स्लीव्स है। प्रिंट इसका बहुत ज़्यादा सुंदर है एंड कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। कोरल कलर है ये, सिर्फ कलर डिफरेंट है दोनों का, बाकी प्रिंट वगैरह ज़्यादातर सेम है। थोड़ा सा डिफरेंट होगा प्रिंट में भी, हाँ थोड़ा सा प्रिंट आएगी थोड़ा सा अलग है। तो उसमें ना थोड़े से कलर्स ऐड है लेकिन इसमें ना पूरा वाइट कलर का है तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। और इसका जो प्राइस है रिसेंट प्राइस वो है 407 रुपये, ठीक है। और साइज़ मैंने लिया था स्मॉल साइज़। वाइट कलर की किसी भी पेंट या प्लाजो के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो आप इसके साथ पजामे भी पहन सकते हो। आजकल ज़्यादातर लोग प्लाजो पेंट ही पहनते हैं। प्लाजो मैं ना प्लाजो नहीं बोल पाती हूँ, मेरे को प्लाजो भूल जाती हूँ कि इसको बोलते क्या है हर बार भूल जाती हूँ। और जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बहुत तरीके से बोल लेते हैं यार इसको कि प्लाजो प्लाजोज प्लाजोज आई डोंट नो, मैं मेरे से इतना एफर्ट नहीं डाला जाता है इसको बोलने में तो मैं तो प्लाजो ही बोलती हूँ, ठीक है। बाकी सबको समझ तो आ ही जाता है कि क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट है हमारा ये वाला कुर्ता जो कि जिसका कलर काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, ग्रीन कलर का है। इसको ब्लू कलर का प्रिंट हो रखा है, कॉलर नेक दिया हुआ है ऑल्सो। इसमें एक ही बटन है, बाकी शो ऑफ के लिए बटन्स लगाए हुए हैं। इसकी जो स्लीव्स है वो कुछ इस तरह की स्लीव्स है, फ्रंट से कुछ इस तरह का पैटर्न है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड सब कुछ इस कुर्ती में ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका जो प्रिंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ब्लू एंड पिंक कलर की जो फ्लोरल प्रिंट हो रखा है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। एंड गर्मियों के हिसाब से इसका मतलब बहुत ज़्यादा परफेक्ट कलर है। जो फैब्रिक है वो भी कॉटन फैब्रिक है और सिर्फ मुझे एक ही चीज़ इसमें पसंद नहीं आई वो है ये नीचे से ये जो शेप है ना ये मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। पता नहीं क्यों, आई थिंक आप लोगों में से काफ़ी लोग होंगे ऐसे जिनको ये इस टाइप की जो शेप है वो बहुत अच्छी लगी हो लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा पर्सनली इतनी पसंद नहीं आई, मुझे नहीं पता क्यों। बट मेरे को लगता है कि अगर या तो ये ए लाइन की होती या थोड़ी सी स्ट्रेट होती ना तो ज़्यादा अच्छी लगती। खैर इसका जो प्राइस है वो है 300 रुपीज़ का
और साइज जो है इसका स्मॉल साइज दिया हुआ है और साइज मुझे काफ़ी हद तक परफेक्ट आया है। नेक्स्ट देख लेते हैं और नेक्स्ट मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी यार, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है और इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस पूरे हॉल में ना सारी कुर्तियों के कलर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। चीज तो ये कुछ इस तरह का है, सबने कॉलर नेक दिया हुआ है और ये सिर्फ एक बटन दिया हुआ है, बाकी शो के लिए बटन लगाए हुए हैं। 3/4 स्लीव से हुई है। इसका जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा हल्का फैब्रिक है और कॉटन का फैब्रिक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फैब्रिक है, मुझे काफ़ी सही लगा। ये गर्मियों के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। इस टाइप के जो फैब्रिक होते हैं ना वो घर में पहनने के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहते हैं। मैं तो इस टाइप के, मुझे लग रहा है मैं ये सारे जो कुर्तियाँ हैं ना ये इनको मैं घर में पहनने वाली हूँ, बिकॉज मैं कहीं बाहर तो जाती नहीं हूँ। तो आप ऑफिस और कॉलेज के लिए तो पहन नहीं सकते हैं, इनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हाँ कॉलेज के लिए पर्पज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और इसका पहनने के बाद जो लुक है ना ये मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं इसको घर पे ही पहनने वाली हूँ। इन कुर्तीज़ को ना आप रेगुलर भी पहन सकते हो, इतनी ज़्यादा अच्छी कुर्ती है। और इसका जो प्राइस है वो है 290 कुछ था, आई गेस 293 रुपीज़। एंड इसका साइज भी है जो स्मॉल साइज दिया है। बाय द वे मेरे फ़ोन की स्टोरेज जो है वो फुल हो चुकी है, ठीक है जल्दी करते हो। नेक्स्ट है ये वाली ब्लैक कलर की कुर्ती जो कि चिकनकारी कुर्ती टाइप है और ये पूरे में एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, हैंडवर्क किया हुआ है, बहुत ज़्यादा प्यारा और नीट एंड क्लीन तरीके से काम किया हुआ है। इस पर कोई भी ऐसे थ्रेड वगैरह निकल नहीं रहे हैं एंड ये पूरा ऐसे क्रीम कलर, ये दिखने में थोड़ा हैवी सा है लेकिन पहनने पर ये कुर्ती बहुत ही ज़्यादा हल्की है, गर्मी बिल्कुल नहीं लगने वाली। ब्लैक कलर की है तो मुझे काफ़ी टाइम से ट्राई करनी थी इस टाइप की कुर्ती, लेकिन वाइट कलर में ज़्यादा दिखती थी और मुझे ये ट्राई करनी ही करनी थी, तो इस बार मैंने ये मंगवाई ली। और 3/4 स्लीव्स दी हुई है इसकी और इस पर भी यहाँ पे कढ़ाई हो रखी है, पूरी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हो रखी है और नीचे की साइड भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है और इतना प्यारा लग रहा है ना, जीन्स के साथ भी आप पहन सकते हो एंड अच्छे से आप हाथों में बैंगल्स वगैरह डालोगे, कान में झुमके वगैरह डालोगे, बहुत 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 सुंदर लगेगा। बहुत ज़्यादा प्यारी लगी मुझे ये लखनवी कुर्ती। इसका जो फैब्रिक है ना वो कॉटन का फैब्रिक है तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही है और अच्छी लग रही है ना, सारे पौधे ऐसे हिल रहे हैं। एनीवे 328 रुपीज़ इसका प्राइस है एंड साइज़ मैंने लिया है स्मॉल साइज़, सारी ही कुर्तियों का मैंने स्मॉल साइज़ लिया है, काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट आया है, फिट तो मुझे बहुत ज़्यादा परफेक्ट आया है। ऑल्सो ये वाली जो लास्ट कुर्ती है ना जो मैंने पहनी हुई है ये भी मैंने मीशो से ही ली है। इसका जो प्रिंट है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट प्रिंट आया है, बट कोई बात नहीं, मुझे ना ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये वाला प्रिंट मैंने ऑर्डर किया था लेकिन ये वाला प्रिंट नहीं आया है, ये कुछ इस तरह से आया है। ऑफिस के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है इस टाइप की कुर्तीज़ एंड पूरी ब्लैक कलर में है, कॉलर नेक दिया हुआ है, एक ही बटन आप खोल सकते हो, बाकी शो ऑफ के लिए लगे हुए हैं। 3/4 स्लीव्स दी हुई हैं एंड बहुत ही परफेक्ट लुक आ रखा है। ये जो शेप है वो ए लाइन शेप है, काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लग रही है एंड समझ के हिसाब से तो काफ़ी परफेक्ट है। 305 रुपीज़ का इसका प्राइस है एंड स्मॉल साइज में मैंने लिया है, साइज़ मुझे बिल्कुल परफेक्ट आया है। येस, आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो एंड आई एम रियली सॉरी कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी डिटेल्स बता दी, क्योंकि मेरे फ़ोन में अब स्टोरेज नहीं रहा है और मुझे और भी शूट करने हैं, लाइटिंग जाने वाली है यार, ये मेरी प्रॉब्लम है वैसे, मुझे ऐसे बहाने नहीं बनाने चाहिए। बट आई गेस इन कुर्तीज़ में इतना ही कुछ था कि ज़्यादा बताने वाली चीज़ें थी नहीं। सारी ही बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं, सारी ही सेम कॉलर नेक की हैं, बटन्स लगे हुए हैं, तो लुक सब में अच्छा है। तो मैंने आपको बस पहन के दिखा दिया कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी कुर्तीज़ अगर आ जाती हैं जल्दी तो मैं कल ही शूट करके फिर इसमें ऐड कर दूंगी आगे। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो एंड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। 3 बार बनाई है और अब कल बनाऊँगी 4th बार, तो इस वीडियो में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत हो गई है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।